नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास राशिफल में। क्या कहती हैं आपकी राशियां और कैसा रहेगा आपका आने वाला दिन, ये सब हम आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुने सभी राशि वाले। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों का दिन आपका अच्छा रहेगा। व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा, अधिक लोगों के साथ आप समय बिता पाएंगे। वृषभ राशि, आप कोशिश करें कि बाहर का ना खाएं, आज मित्रों से मुलाकात हो सकती है, आपको आर्थिक और सामाजिक लाभ होगा। मिथुन राशि, आपको लाभ होगा, परिवार में सुख शांति रहेगी, आने वाला समय आपका बेहतर है, आपको बेहतर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कर्क राशि, आज आपको कार्य में सफलता मिलेगी, संबंधों में सुधार होगा, भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, आपको परिवार से बड़ा लाभ मिलेगा, आज का दिन आपके लिए शुभ है, आपको आने वाले समय में बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कोशिश ये करें कि परिवार के साथ मेलजोल बढ़ा कर रखें। अगर परिवार के साथ मेलजोल बढ़ा कर रखते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपके भविष्य में बेहतर लाभ आपको मिलेगा और आपको कामकाज में तरक्की मिलती हुई नजर आ रही है। कन्या राशि, आपको शुभ समाचार मिल सकता है, वाणी पर ध्यान दें, आपको अपनों से मदद मिल सकती है, आपके अपने आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं और आपको भविष्य में बेहतर लाभ मिलेगा। तुला राशि, कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी बरतें, जमीन जायदाद से जुड़े कागजात ध्यान से पढ़कर साइन करें, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जमीन जायदाद से जुड़े जो कागजात होते हैं लोग जल्दबाजी में साइन कर देते हैं, इसलिए आप तो खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए जमीन जायदाद से जुड़े कागजात पर साइन करना बहुत नुकसानदेह यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आपको लाभ ना हो, आपको नुकसान ही हो जाए, इसलिए कोशिश ये करें आप इसको टाल दें और बाद में करें। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपका शुभ है, संतान से लाभ होगा, आप जो काम करेंगे वो शुभ होगा। धनु राशि, व्यापार में आपको फायदा मिलेगा, आर्थिक और सामाजिक लाभ आपको मिल सकता है, आने वाले दिनों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपका आने वाला साल आपके लिए बेहद ही शुभ है। मकर राशि, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, आप जरूरी काम से विदेश जा सकते हैं, परिवार में सुख शांति रहेगी, यानी कि विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, जरूरी काम से आप विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं, परिवार में आपकी सुख शांति रहेगी और आप कोशिश करें कि अपने परिवार वालों के प्रति स्नेह भाव रखें और ये चीजें आपको आगे आने वाले समय में लाभ पहुंचा सकती हैं। कुंभ राशि, आज आपका स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, कोशिश ये करें किसी वाद विवाद में ना पड़े, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से बहस ना करें और अपने काम पर फोकस करें। अगर आप अपने काम पर फोकस करते हैं तो आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा, नहीं तो अगर आप वाद विवाद में पड़ रहे हैं तो आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये नुकसान आपके लिए ही बेहद हानिकारक है। मीन राशि, आपको लाभ मिलेगा, नए काम कर सकते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से आपको यहाँ पर परेशानी का सामना अभी करना पड़ रहा है तो आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, क्योंकि आपको अभी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपका आने वाला दिन अच्छा है, आपको आने वाले समय में बेहतर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मीन राशि वाले इस बात पर जरूर ध्यान दें, जो नियम हम आपको बता रहे हैं उस पर पूरा पूरा फोकस करें और उनका पालन करें। मीन राशि वाले ये बात ध्यान रखें, जो काम आप नया करने वाले हैं उसे विशेष सलाह के अनुसार उसके बाद करें, विशेष सलाह के बाद अगर आप नया काम कर रहे हैं तो आपको बेहतर लाभ होगा। वहीं आज आप कोशिश ये भी करिए कि आप पैसे से जुड़ा जो लेन देन कर रहे हैं, पैसे से जुड़ा जो मामला है उसको कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतें, क्योंकि आपको पैसे से जुड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आप इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का खास तौर पर ध्यान रख रहे हैं या रखते हैं तो इससे आपको ही बेहतर लाभ होगा, इससे आपको ही आने वाले समय में और लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पैसे का लेन देन हमेशा से सही करना चाहिए, सही होना भी चाहिए, क्योंकि पैसों से जुड़ा जो लेन देन अगर इंसान करता है उसमें गलत भी हो जाता है, तो कोशिश ये करें पैसों से जुड़ा लेन देन संभल कर करें और जो सलाह हमने आपको दी है उसको जरूर अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप उस पर काम करते हैं तो आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।